हेलो दोस्तों, आई एम सैफी इंजीनियरिंग वर्क्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे ये कटर हमने किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया है, किस तरीके से बनाया है, आपको हम दिखाएंगे। फुल वीडियो वॉच करना मेरे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, आपके बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये देखें दोस्तों, ये मशीन एकदम तैयार हो चुकी है। ये मोटर की लाइन वगैरह सब कंप्लीट, ये रूले भी कंप्लीट हैं। इसमें हमने बैरिंग लगाए हैं, ये देख सकते हो। दोस्तों आपने देखा हमने किस तरीके से कटर को तैयार किया है, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है, तो देखते हैं। दोस्तों ये जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये 5x3 का प्लेटफॉर्म है, 5x3 का प्लेटफॉर्म है। इसमें मटेरियल भी अच्छा यूज किया है हमने, और देखो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये 2 इंची की है, ये 2 इंची की एंगल का बनाया हमने बेस पूरा। और देखो ये एडजस्टर है, ये एडजस्टर हमने पिछली वीडियो में और तरीके से बनाया था, और अब की बार और तरीके से बनाया है। इसमें क्या है, ये बोल्ट ढीला करो यहाँ से, ब्लेड को नीचे ही करो, बेल्ट भी टाइट इसी से हो जाएंगी और ढीली भी इसी से हो जाएंगी। ये पूरा मशीन ये वाली नीचे आ जाएगी, ब्लेड भी चेंज कर सकते हो। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें लगा हुआ है 20 इंची का ब्लेड, इसमें 24 इंची का लगाना है आपको तो वो भी आराम से लग जाएगा। ये आप देख सकते हो, इसमें कटिंग हमने दे रखी है 2 जगह। अब ये 20 इंची का चल रहा है तो 20 इंची का चलेगा, 24 इंची का लगाना तो यहाँ तक आएगा हमारा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।